अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर रेशमा के चैनल में आपका स्वागत है। मैं को भून लूंगी। पाउडर है ये, अभी मशीन को जाके डाल के लाई हूँ। इस तरह से फ्रेश बना के खाना चाहिए। पता नहीं दुकाना में कितने कितने दिन का वो पैकिंग होके आता है कि इस तरह बनाइए। देखिए हाफ किलो का है ये, मैं ज्यादा नहीं लेके गई थी क्योंकि ज्यादा पीसने से फैमिली छोटी रहती है तो ये जल्दी सड़ते नहीं तो खुशबू चली आती है। मैंने हाफ किलो का बनाया है धनिया पाउडर यानी के कोरिएंडर पाउडर। अभी मैं कांच के बॉटल में डाल के स्टोर कर लूंगी। आप कांच के बॉटल में रखेंगे तो ज्यादा दिन तक काम आएगा और खराब होने के चांसेस नहीं रहते। कोई भी चीज घर में इस तरह से हेल्दी बना के खाना चाहिए। सेवियों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे 2 से 3 मिनट। तो देखिए मैं अभी वो सेवियां उपमा बनाने के लिए 2-3 हरी मिर्च लिया है और कड़ी पत्ता और एक बड़ा सा मीडियम साइज अनियन और कोकोनट और हाफ नींबू और कोरिएंडर इतना ली हूँ। इसका मसाला है ये। अभी चलिए ये किस तरह बनाते हैं वो दिखाऊंगी। तो अब हम बाणले में जरूरत के हिसाब से ऑयल डाल लेंगे। ऑयल थोड़ा सा डालेंगे हम, जितना जरूरत है उतना। इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे और अनियन भी डाल देंगे। आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं, इसमें बड़ा टेस्टी रहता है। मैं आज अदरक लहसुन नहीं से बना रही हूँ। तो इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। नमक डालने से प्याज जल्दी सॉफ्ट होती है। तो अभी मैं इसमें हरी मिर्च भी डाल दूंगी। तो ऑयल में हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये 2 मिनट में बन जाता है, उतना फास्ट बनता है लेकिन टेस्ट रहता है और खाने में मज़ेदार भी रहता है। तो अभी मैं कोकोनट को भी डाल दूंगी। थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च इसको डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और 1/2 कप वाटर। तो पहले ही मैं साल्ट डाल चुकी हूँ और थोड़ा सा जरूरत के हिसाब से डाल दूंगी। अभी जितनी जरूरत है उतना सॉल्ट भी डाल देंगे। इसको मैं अच्छी तरह से पका लूँगी। तो सेवियां को भी मैं डाल चुकी हूँ। अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें मैं कोरिएंडर भी डाल दूंगी। और नींबू भी आधा में डाल दूंगी जो नींबू मैंने रखा था। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद तो इसे हम 10 से 5 मिनट के लिए हम दम पे छोड़ देंगे। तो हम चलिए इसको दम पे छोड़ी थी
पाँच दस मिनट के लिए। देखते हैं, देखिए कितने अच्छे अम्मी जी से मज़ेदार बने हैं हमारा नाश्ता। अभी लॉकडाउन चल रहा है, ऐसा कुछ ना कुछ बना के खाने दिल करता है। अभी मैं ये 12 बजे का बना रही हूँ नाश्ता। तो अभी मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो हमारा नाश्ता बनके तैयार है, तो चलिए इसको हम देखेंगे। देखिए ये एकदम खिले खिले कितने टेस्टी बने हैं हमारे सेवियां का उपमा। चलिए इसको हम सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए तो ये मैंगो तोक्कू है, ये आम का तोक्कू बनाया है मैंने, इसकी भी रेसिपी आने वाली है। तो ये बादाम की चटनी है, बादाम भिगो के बनाया है, इसकी भी रेसिपी आने वाली है, तो मैं जल्द से जल्द शेयर करूंगी। अल्लाह हाफिज, नए वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।